आज का पहला सवाल देव पटेल का है, वो पूछते हैं हाउ डू आई अर्न मनी बाय लर्निंग टू कोड, यानी कि कोडिंग सीख करके मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ। देव, कोडिंग या प्रोग्रामिंग सीख करके पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड एजुकेशन क्या है, आपकी एज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए मैं आपको बैकग्राउंड एजुकेशन एज के हिसाब से मैं बताता हूँ कि आप किस किस लेवल पर प्रोग्रामिंग सीख करके क्या क्या कर सकते हैं या किस तरह के काम कर सकते हैं। पहले तरह के काम वो होते हैं जहां पर कि आप अपने टाइम को पैसे के अगेंस्ट में देते हैं। तो प्रोग्रामिंग सीख करके ऐसे कौन कौन से काम है जो कि करके आप अपने टाइम से पैसे कमा सकते हैं, वो इस प्रकार से हैं। सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर जो तरीका है वो है एक नौकरी पाने का। आप किसी भी कंपनी में जॉब ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले से आपकी आप जो है अपने अर्ली 20s में होने चाहिए, बिकॉज आफ्टर 30-35 कोई भी फ्रेशर को नहीं लेता। और जब आप प्रोग्रामिंग सीखने की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करेंगे कहीं पर भी, तो आप अपने अर्ली 30s में होने चाहिए। इसके अलावा आपने कहीं से कोई भी प्रोग्रामिंग का कोर्स या कोई सर्टिफिकेशन या कोई डिग्री की हुई होनी चाहिए। सो प्रोग्रामिंग सीख करके आप जॉब तो ले सकते हैं, लेकिन उस जॉब के लिए प्रोग्रामिंग सीखने के अलावा आपके पास प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेशन होना भी जरूरी है। अब इस तरह से पैसे कमा करके आपको बेनिफिट्स क्या होंगे, एक तो आपकी फिक्स सैलरी होगी, मंथली जो फिक्स सैलरी होगी आपकी, जो भी सैलरी कंपनी में डिसाइड होगी आपके कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पर, तो एक तो आपकी फिक्स सैलरी होगी, स्टेबल इनकम होगा, और ऑफ कोर्स लॉन्ग करियर होगा, क्योंकि आप जो भी प्रोग्रामिंग सीखेंगे ऑफ कोर्स आगे काफ़ी दिनों तक करेंगे, तो एक स्टेबल करियर होगा। सो सबसे पहला टाइम वर्सेस जो टाइम के अगेंस्ट में मनी लेने का जो सबसे इजी और सबसे पहला तरीका है प्रोग्रामिंग सीख करके आप जॉब कर सकते हैं। ऑफ कोर्स टाइम फॉर मनी में दूसरा तरीका है प्रोग्रामिंग सीख करके पैसा कमाने का, फ्रीलांसर बन करके। काफ़ी सारी फ्रीलांसिंग साइट्स हैं जैसे अपवर्क, टॉप ट्यूटल, freelance.com, जहां पर कि आप फ्रीलांसर बन करके और एज ए फ्रीलांसर वहां पर अपनी कैपेबिलिटीज़ को बेच करके आप पैसे कमा सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, आप किसी भी एज में प्रोग्रामिंग सीख करके आप ये काम कर सकते हैं, ना ही इसके लिए किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही इसके बेनिफिट्स ये भी होते हैं कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं, बस आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल होना चाहिए, और कभी भी जब भी आप कॉन्फिडेंट हों आप ये काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि यहाँ पर आपकी फिक्स्ड इनकम नहीं होती है जॉब की तरह, साथ ही आपको फ्रीलांसिंग का काम लेने के लिए पहले आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, बिकॉज अननोन बंदे को कोई भी फ्रीलांसर हायर नहीं करता। तो ब्रांड बनाने का तरीका ये होगा कि या तो आप उसके बारे में कोई कुछ कंटेंट क्रिएट करो जो भी आपने सीखा है प्रोग्रामिंग रिलेटेड, या तो आप जो ये वेबसाइट्स है इनके टेस्ट्स वगैरह दे करके इनके इंटरनल सर्टिफिकेशंस करो, जैसे अपवर्क में अपना इंटरनल सर्टिफिकेशन है हर टेक्नोलॉजी का, उसके अलावा टॉपटेल का भी इंटरनल सर्टिफिकेशन होता है, वो इंटरव्यूज लेते हैं, या freelancer.com में भी उनके टेक्नोलॉजी के इंटरनल सर्टिफिकेशंस हैं। तो आपको पहले अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, पहले अपनी कैपेबिलिटी शो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप फ्रीलांसर के तौर पर काम कर सकते हैं। टाइम फॉर मनी के कंसेप्ट में प्रोग्रामिंग सीख करके पैसे कमाने का तीसरा तरीका है आपका ऑनलाइन कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के कोचिंग देने का। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखा सकते हैं, या आप खुद ऑनलाइन बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखा सकते हैं। बच्चों क्या बड़ों को भी, जो भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है उसको आप प्रोग्रामिंग सिखा सकते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग की तरह ही यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से पहले आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, साथ ही कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। ये तो थे टाइम फॉर मनी तरीके, जहाँ पर कि आप अपने प्रोग्रामिंग सीख करके आप अपने नॉलेज और अपने स्किल के को दे करके टाइम स्पेंड करके टाइम के अगेंस्ट में आप पैसे कमाते हैं। पैसा कमाने का दूसरा तरीका होता है आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड रिकरिंग इनकम, जिसको कि हम लोग पैसिव इनकम भी बोलते हैं। तो प्रोग्रामिंग सीख करके आप किस तरह से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्रोग्रामिंग सीख करके पैसिव इनकम जनरेट करने का पहला तो तरीका यह है कि आप प्रोडक्टाइज्ड सर्विस बेचना शुरू कर दीजिए। प्रोडक्टाइज्ड सर्विस जो है वो फ्रीलांसिंग का ही एडवांस वर्जन है, जहां पर कि आप एक पर्टिकुलर
टेम्पलेट की सर्विस बनाते हैं और बोलते हैं कि आप यही सर्विस बेचेंगे, उसके अलावा और कोई सर्विस नहीं बेचेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि आपने छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए प्रोडक्ट्स बना रखे हैं या वेबसाइट टेम्पलेट्स बना रखे हैं और आप उन बिजनेसेस को आप वो वेबसाइट टेम्पलेट्स सस्ते में बेच सकते हैं, जैसे 2,000, 5,000, 10,000 इस तरह सस्ते में उन बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को जो भी ऑनलाइन आना चाहते हैं उनको उनके ये जो टेम्पलेट्स हैं, ये एप्लीकेशन जो है वो बना करके बेच सकते हैं एज ए प्रोडक्टाइज सर्विस। वो आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई आप ये वेबसाइट टेम्पलेट मेरे से खरीद लो या आप पूरा का पूरा वेबसाइट मैं आपको 5,000 या 10,000 में सेटअप करके दे दूंगा, लेकिन उसमें बस यही फीचर होंगे, उसके अलावा ये बाकी सारे फीचर्स नहीं होंगे। सो बेसिकली आप अपने सर्विसेज को एज ए प्रोडक्ट बना करके बेच रहे हो। इसमें आपको एक बार मेहनत करना पड़ेगा बस अपने सर्विसेज को प्रोडक्टाइज करने के लिए, यानी कि उनको एज ए प्रोडक्ट के तौर पर पूरा लिस्ट करने के लिए और उसको बनाने के लिए। उसके बाद आप उसी टेम्पलेट को बार बार कहीं पर भी बेच सकते हो स्लाइटली चेंजेस करके कस्टमर के हिसाब से। दूसरा पैसिव इनकम कमाने का तरीका है प्रोग्रामिंग सीख करके कि आप कोर्सेज बनाइए, जैसे कि आप उडीमी के लिए, कोर्सेरा के लिए, प्लूरल साइट के लिए या अपने पर्सनल वेबसाइट पर ही आप एजुकेशन लर्निंग के कोर्सेज बनाइए। जो भी आपने कोडिंग सीखी है, जो भी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी आपने फ्रेमवर्क सीखा है उसके लिए आप पूरा का पूरा कोर्स बनाइए एंड स्टार्ट टू एंड का, और उन कोर्सेज को बना करके रिकॉर्डेड कोर्सेज को बेचिए। हालांकि इस तरीके में एक प्रॉब्लम यह भी है कि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपके कोर्सेज की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, ताकि तभी आपके स्टूडेंट्स जो हैं आपके उन कोर्सेज को खरीदेंगे। अदरवाइज़ इस तरह के कोर्सेज की भरमार पड़ी हुई है इन सारे चैनल्स पर। तीसरा तरीका प्रोग्रामिंग सीख करके पैसे कमाने का पैसिव इनकम मोड में है कि आप कोई प्रोडक्ट बनाइए किसी भी तरीके का, जिस बिजनेस के बारे में आपको पता है, जिस डोमेन के बारे में आपको पता है, उस डोमेन से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, वैसी चीज़ बना करके आप उसको बेच सकते हैं। और अगेन जैसे कि प्रोडक्टाइज सर्विस में होता है वैसे ही प्रोडक्ट में भी होता है कि आप उसको भी बेच करके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इन सारे पैसिव इनकम सोर्सेज में प्रॉब्लम यही है कि ये पैसिव इनकम सोर्स है, यानी कि इनके साथ साथ आपके पास कोई रेगुलर जॉब या रेगुलर पैसे कमाने का कोई तरीका होना चाहिए, टाइम फॉर मनी वाला जो है वो तरीका होना चाहिए, तभी आप अच्छे से फ्लरिश कर पाएंगे, अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अदरवाइज इन सारे कामों में टेंशन बहुत ज्यादा होती है क्योंकि कोई फिक्स्ड इनकम सोर्स नहीं है और जीवन यापन करने के लिए भैया फिक्स्ड इनकम सोर्स होना जरूरी है। सो ये थे कुछ तरीके जिनसे कि आप प्रोग्रामिंग सीख करके पैसे कमा सकते हैं। तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप भी अपने किसी सवाल का जवाब अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल सेम है, टेकी राठौर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो हमेशा की तरह वही गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।